हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू शोनास किचन। फूडीज़, आज मैं आपसे बच्चों वाली रेसिपी शेयर करूंगी। हम सब के बच्चों की मोस्ट फेवरेट स्माइलीज बनाऊंगी आज मैं, और उसमें मैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। ये है कॉर्नफ्लोर, नमक जो हर फूड की जान है, ये है पोटैटोस बॉईल कर लिए हैं मैंने, स्मैश नहीं किया है, ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, चिली फ्लेक्स एंड थोड़े से राइस को मैंने मिक्सर में पाउडर बना लिया है, और मिक्सिंग बाउल एंड पेपर प्लेट। सो सबसे पहले मैं पोटैटोस को ये बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट एंड रेड चिली फ्लेक्स, जिसे हम पेपरिका भी बोलते हैं, वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास मार्केट से ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर में भी ड्राई रेड चिलीज रहती हैं उसे मिक्सर में क्रश कर लेंगे तो सेम ये मार्केट जैसा ही हो जाएगा। ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं, सो हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करें, और राइस पाउडर अगर आप 2 चम्मच लेते हो तो कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, वैसा हिसाब रखें उसका। राइस पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे, मैंने इसमें 3 चम्मच राइस पाउडर डाला, ये वाली ही स्पून यूज़ की है, और 1.5 में कॉर्नफ्लोर डालूंगी इसमें। सो सब चीज़ें मैंने डाल दी, उसे हल्के हाथ से मिक्स करूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब चीज़ को हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पैटीज बनाएंगे, फिर स्माइली का शेप बाद में देंगे। मैं पहले छोटे पैटी बना के बताती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने बना लिया है। देखिए, अभी मैंने सिर्फ 2 बनाई हैं। अब मैं एक स्पून रखूँगी रेडी, और एक ये स्ट्रॉ की मदद से हम उसकी आइज बनाएंगे। और स्पून का जो ये वाला हिस्सा है उसे इसकी डीप स्माइल बनाएंगे। थोड़ा सा कर्व करेंगे ताकि ये मेरे जैसे डिंपल वाली स्माइल आ जाए। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें भी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सब स्माइलीज को शेप में दे दिया अभी, और मैंने कुछ पहले से बना के डीप फ्रीज में भी रखी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, धुआं निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद। इसको आप पाउच में भर के डीप फ्रीज में 15 दिन तक रख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे हम मैकेन की लेते हैं वैसे। इसकी थिकनेस भी आप देखो, अब मैं इसे फ्राई करके बताऊंगी आपको। तेल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को मैं फुल कर दूंगी, और पहले जो ये फ्रीज़र वाली है मैं ये ऐड करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 2-3 भी ऐड कर दी इसके अंदर, और आप जब भी स्माइलीज बनाएं तो ये स्टेप करके इसको फ्रीज़र में ऐसे ही प्लेट में ही रखें, दोनों साइड आधा आधा घंटा या तो 1-1 घंटा। आपको फील होगा कि ये आइस हो गया है कम्प्लीटली। जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाए, आधा घंटा फ्रंट साइड एंड आधा घंटा बैक साइड, फिर इसे ज़िपलॉक पाउच में आप भर के डीप फ्रीज में इसे स्टोर कर सकते हो, और जब भी मनचाहा अपना फ्राई कर लो एंड खा लो। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड हो गई है, ऊपर आने लगी है स्माइलीज पूरी। अब मैं इसे दूसरी साइड टर्न करूँगी। सब दोनों साइड स्माइलीज हो गई है, मैं इसे टिश्यू पेपर में निकालूंगी और आपको बताती हूँ। इसे मैंने फुल फ्लेम में ही फ्राई किया है, स्लो फ्लेम नहीं करनी है, फुल फ्लेम में ही क्रिस्पी रहेंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्माइलीज को ले लिया है टिश्यू पेपर पे, और मैं आपको उसकी क्रिस्पीनेस भी बताती हूँ।
बिल्कुल क्रिस्पी हुई है, सेम एज मैकेन। अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्माइलीज को सर्विंग प्लेट में ले लिया है और ये खाने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू शोनास किचन। एंजॉय योर मैकेन स्माइलीज। बाय बाय।